बागेश्वर में शारदीय नवरात्रि में होने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए नुमाइश खेत मैदान के कोने में दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया गया है। पंडाल में इन दिनों माँ दुर्गा समेत अन्य मूर्तियों के निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ कर दी, साथ ही कुछ मूर्तियां भी खंडित कर दी। इस घटना के बाद दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। और राक्षस प्रेमी है, उसने ये राक्षस को मारा है। यहाँ पर वो मिट्टी लगा तीर का निशान था, वो तीर हटा के तीर मार दिया। बड़े अफसोस की बात है, ये 38वां वर्ष हमारा इस वर्ष चल रहा है, लेकिन इस 38वें वर्ष के इतिहास में ये पहली बार ऐसी घटना हुई है कि जो मूर्ति हमारी वहाँ पहुँचाई गई है वो क्षतिग्रस्त कर दी गई है। और जबकि ये पूजा मात्र जो है अब एक सप्ताह भी नहीं रह गया है, तो इसमें हमें बड़ा अफसोस हुआ। और इसी को लेकर के हमारा जो दुर्गा पूजा, देवी पूजा और रामला कमेटी तथा व्यापार संघ बागेश्वर, ये सब के सब यहाँ पर अपनी आपत्ति दर्ज करने आए हैं कि ताकि उसको सुरक्षा मिल सके। और ऐसे अवांछित जो तत्व हैं जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, उन लोगों को पकड़ करके या उनकी जानकारी हम तक पहुँचाएँ, इसके लिए हम यहाँ पर एकत्र हुए। वहीं कोतवाल जगदीश सिंह ठकरियाल ने कहा कि रात के समय नगर में पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी, अराजकता फैलाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, ये मेरे जितने भी दुर्गा पूजा के हमारे और रामला कमेटी के लोग सदस्य आए, उन्होंने अपनी बात रखी। इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि ये जो तोड़ फोड़ कर किसी ऐसे जो इसमें के आए पीने वाले कुछ ऐसे लड़के हैं जो रात में घूमते हैं, उनके द्वारा जो है खुरापाती करेगी है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और मैं इसको लेकर आज से ही वहाँ पर रात के 12 बजे से लगातार मेरी, जब तक ये तीनों इवेंट दुर्गा पूजा, नवरात्र, रामला जो है समापन नहीं होता है, सब कुछ सर मेरी जिम्मेदारी है, पूर्ण जिम्मेदारी है। मैं आज ही अन्य जितने फोर्स बाहर से मंगा रहा हूँ और रात से ही वहाँ परमानेंट ड्यूटी रहेगी। और मैं स्वयं में दिन में भी जो ऐसे लड़के हैं जो शराब पीकर या स्मैक पीकर जो वहाँ हरदम मचाते हैं, उनके खिलाफ आज से एक्शन कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस ने पूजा कमेटी तहरीर के आधार पर अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। और राक्षस प्रेमी है, उसने ये राक्षस को मारा है। यहाँ पर वो मिट्टी लगा तीर का निशान था, वो तीर हटा के तीर मार दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।